हमें अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करनी है तो हमें आयमा के दर पे जाना है। और जब हम उनको जाके कहेंगे कि ए मौला या रसूल खुदा को कहेंगे कि आप हमारी रहनुमाई करें, तो वो हमें क्या जवाब देंगे? वो हमें कहेंगे कि मेरे आल का एक शख्स तुम्हारे दरमियान मौजूद है, उससे रहनुमाई लो। हम खुश नसीब हैं, हमारे वक्त के इमाम जिंदा हैं, मौजूद हैं। हम इससे कितने लोग उनसे गुफ्तगु करते हैं। अभी 15 शाबान को अरीजे लिखे गए हैं, क्या लिखा है अरीजों में? बेटे मांगे हैं, दौलत मांगी है, दुनिया मांगी है, जायदाद मांगी है, नौकरी मांगी है, शादी मांगी है, पैसा मांगा है। किसी ने लिखा है कि इमाम सिर्फ आप चाहिए हमें? किसी ने कहा है कि मौला कुछ नहीं चाहिए? अरीजे में किसी ने ये जुमला लिखा, फकत ये लिखा क्या लजल, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए? हम नहीं लिखते, हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि या इमाम हुसैन, अगर हम आपके दौर में होते, आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देते, वो क्या ये नहीं कहते होंगे कि मेरा बेटा तुम्हारे दरमियान मौजूद है, क्या किया है उसके लिए? अरे तकबीर अल्लाह जाती है उस तरह से करें, और ये चीज़